हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्क एनर्जी पावर का दूसरा वीडियो, जहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ काइनेटिक एनर्जीज की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जीज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज, ठीक है, इनकी बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी में उसके मोशन की वजह से आती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर डेवलप होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें हम, तो काइनेटिक एनर्जी, तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आई थिंक हम सबको ही पता है, नहीं पता होगा फिर भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, जहां पर एम क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी में उसके मोशन की वजह से आती है, ठीक है, मोशन की वजह से एनर्जी पोजेस बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ओके। तो ये काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी तो बॉडी में है, तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो क्या है कि अगर काइनेटिक एनर्जी बॉडी में तब होगी जब किसी बॉडी में कुछ मास होगा और वो किसी वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही होगी, मतलब एम मास की बॉडी जब वी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी, ओके। तो अगर हम इसमें रिलेशन, हम एक चीज और जानते हैं कि मोमेंटम भी होता है कुछ, है ना, मोमेंटम की अगर बात करें तो मोमेंटम क्या होता है, एम वी, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने फोर्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसमें देख सकते हैं, ये टाइप करना कि फोर्स मास एंगल, आपको मिल जाएगा वो यूट्यूब पे, ओके। तो ये हो गया। अच्छा, अगर रिलेशनशिप देखें कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशनशिप देखना है, ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है, तो बहुत सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। अब ये मोमेंटम हमारे पास क्या है, पी इज इक्वल टू एम बी, तो यहां से अगर मैं बी के वैल्यू निकालूं तो बी कितना आएगा, पी बाय एम, पी के वैल्यू आ गई पी बाय एम, और अगर पी बाय एम को मैं यहां रख दूं तो कितना हो जाएगा, हाफ एम पी अपॉन एम का होल स्क्वायर, ओके। सो दिस इज हाफ एम p square upon m square, m से एक पावर कैंसिल हो गई तो कितना बच गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, k से रिनोट कर रहा हूं मैं उसको, ओके, तो कितना हो गया, p square upon 2m। यहां से अगर चाहो तो मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, चाहे तो मोमेंटम की वैल्यू निकालना चाहो तो अगर मोमेंटम की वैल्यू निकालू तो कितनी आएगी, मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m k, और ये दिन से कि मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m k, ठीक है। ये रिलेशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, तो यू कैन एक्सप्लेन, पर देख लो कि अगर यहां समझाओ तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम जो है बेस्ड है काइनेटिक एनर्जी पे, मतलब उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, खाली उसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट आई मीन, तो इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यू कैन से कि द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ओके। तो ये तो रिलेशनशिप हुआ काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का। अब बात करते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है तो बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि द वर्क वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम में कहता है कि वर्क डन बाय द बॉडी, वर्क डन बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, कहता है कि वर्क डन जो हो रहा है बॉडी में वो उसके, अगर मतलब वर्क डन जो हो रहा है फोर्स की वजह से, वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स इज बिकॉज ऑफ
increase in calorie consumption. Increase in kinetic energy. तो कह रहे हैं किसी बॉडी में वर्क डन हो रहा है तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज। अगर कोई वर्क डन फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, बाय द फोर्स, फोर्स की वजह से हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज है। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो गई, कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज है। मतलब किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या थी, मान लो काइनेटिक एनर्जी पहले क्या थी, कुछ रही होगी, अब फाइनल कुछ रही होगी, तो अगर दोनों को माइनस कर दे तो एनर्जी जो इसका इंक्रीज निकल के आएगा वही वर्क डन होगा। तो लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल वाली, अगर दोनों को हम माइनस कर दे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, जो वर्क डन निकल के आएगा वही कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब यू कैन से दैट, मान लो कि जो बॉडी थी उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी वो कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर, और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी थी, फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी थी वो कैसी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम इसका वर्क डन निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आई बात समझ में, ओके तो चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या कर रहे हैं, वैसे तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म्स अगर तुम्हें नहीं पता तो बहुत सारी होती है। काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल हो सकती है, ट्रांसलेशनल हो सकती है, लीनियर मतलब जब बॉडी सीधा चले तब भी वो मोशन में काइनेटिक एनर्जी, बॉडी वाइब्रेट करे वाइब्रेशनल मोशन उसमें भी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी, इसी भी सब काइनेटिक एनर्जी के सारे के सारे टाइप्स हैं। ओके अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी वो बोलना होती है एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और चेंज्ड पोजीशन और स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। वो एनर्जी किस पोटेंशियल एनर्जी, क्या एनर्जी है वो एनर्जी जो किस पर डिपेंड करती है, स्पेसिफिक पोजीशन पे, ठीक है, किसी फिक्स पोजीशन पे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि चेंज्ड पोजीशन, चेंज पोजीशन पर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी के, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी की स्पेसिफिक पोजीशन या चेंज पोजीशन पर डिपेंड करती है। मतलब अगर बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए तो उसके अंदर जो उस टाइम पर एनर्जी पोजेस होती है और कैसे स्टोर होती है और कैसे बनती है वो एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि हमने सुना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की हाइट की वजह से भी जनरेट होती है, अगर किसी बॉडी किसी हाइट पे लेकर चले जाए तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। आ रही बात समझ में, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो जैसे हम कहते हैं ना किसी को छत से फेंकेंगे तो ज्यादा चोट लगेगी, क्यों, क्योंकि उस हाइट पर जाने के बाद उसके अंदर एक अलग पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। जैसे कि वही पत्थर, अगर छोटा सा पत्थर की बात करें जमीन पर पड़ा तो उसमें कोई चोट नहीं लगेगी, लेकिन अगर उसको हमने छत से फेंक दिया तो हमें चोट लगी है, क्योंकि बहुत ज्यादा चोट लगी है क्योंकि उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गई है, ठीक है, इतनी हाइट से गिरने, और बाकी तो फिर ग्रेविटी से गिरेगा तो एक फोर्स हो गई होगा, वो अलग फैक्टर है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का हम जो यहाँ पर दो तरीके की पढ़ने वाले हैं, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दो तरीके पढ़ने वाले हैं, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटी की वजह से बने, जैसे कि अगर हम किसी चीज को ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाते हैं तो उसके अंदर जो उस टाइम पर एनर्जी क्रिएट होती है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब हम उसे किसी हाइट पर लेके जाएंगे तो कंटिन्यूअसली ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच रही होगी, और उस ग्रेविटी के खींचने के बावजूद वो उस अगर पोजीशन पर रखा हुआ है, यानी कि वो ग्रेविटी अगेंस्ट उस काम को कर रहा है, तो उस टाइम उसके अंदर जो एनर्जी पोजेस होगी दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जब बात करते हैं तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट में लिख रहा है, वो टर्म नहीं होता जीपी करके, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो उसको हम लिखते हैं एम जी एच, लेकिन यहाँ पर सारी कहानी एम जी की नहीं है, ये तो फोर्स है ही है। देखो हम वोल्टेज जब पढ़ना हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा था वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कहा था, लेकिन जब वोल्टेज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने कहा था तो हमने ये भी कहा था कि अब देखो इसको ब्रेक करके लिखो तो ये वाला फोर्स है,
फोर्स किसी बॉडी के होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, और ये हाइट क्या है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि देखो बॉडी किसी हाइट किसी हाइट पे जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है, तो यही तो हो रहा है, वर्क डन ही तो हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया इसका वर्क डिस्प्लेसमेंट बॉडी, तो ये ग्रेविटी बॉडी जिनको हम डिनोट करते हैं एम जी एच से, ठीक है, तो ये हो गई इसकी टर्म्स। एग्जाम्पल जैसे कि बचपन हम सब करते थे रबर बैंड को अगर हम खींचते हैं और खींच के किसी को मारते हैं तो मतलब ज्यादा चोट लगती है, क्योंकि जब उसको खींचते हैं स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ओके, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। और एक ऐसे जनरल क्वेश्चन, अगर कोई हमसे पूछे कि ज्यादा इलास्टिक क्या है, स्टील है कि रबर है, तो हम कहेंगे रबर है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, ज्यादा इलास्टिक स्टील है। आप हम कहोगे सर ऐसा कैसे, तो स्टील ज्यादा इलास्टिक इसलिए है क्योंकि इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी टू रिगेन इट्स पोजीशन, ओके, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी टू रिगेन इट्स पोजीशन, ठीक है, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी पोजीशन को रिगेन कर सकता है, वापस पा लेता है। तो देखो अगर रबर बैंड को खींचेंगे तो खींच खींच के मान लो एक बार में नहीं आएगा, लेकिन 10 बार 100 बार खींचेंगे तो वो अपनी पोजीशन से मतलब डिस्प्लेस रहेगा, खींच जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रहेगा, लेकिन स्टील को तो हम खींच ही नहीं पा रहे हैं, है ना, तो यानी कि अपनी पोजीशन में को रीगेन कर ही ले रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो कर ही ले रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही मोशन नहीं, मूव ही नहीं कर रहा, तो ऑलरेडी इसी पोजीशन में है, तो हम कह सकते हैं, तो दैट इज व्हाई कैन से दैट स्टील हैज द मैक्सिमम इलास्टिसिटी, सॉरी, ओके। तो बस इतना ही काफी है, बाकी इलास्टिसिटी बहुत तरीके एनर्जीज तो बहुत ही तरीके की होती है, हाइड्रो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल मतलब जमीन से निकलने वाली एनर्जी, ये बहुत तरीके की एनर्जीज हैं, सबकी बात करेंगे तो फिर वो तो पढ़ सकते हैं, बहुत तरीके की एनर्जीज होती हैं, बाकी तुम पढ़ो, क्योंकि आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की बात करेंगे, ओके, थैंक यू।